समुंदर की गहराइयों में कब क्या मिल जाए ये कोई नहीं जानता। एक जापानी स्कूबा डाइवर को समुंदर की गहराइयों में डोरेमोन के जैसा दिखने वाला एक रोबोट मिला। वैसे तो ये दिखने में डोरेमोन के जैसा लग रहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा क्रीपी था कि समुंदर के बीचों बीच आखिर डोरेमोन के जैसा दिखने वाला रोबोट आया कहाँ से। 1993 में डोरेमोन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था नोबिता एंड द टिन लैबिरिंथ। उस मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है जहां डोरेमोन समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। 2022 में ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल हुआ था। इन फोटोज को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये पोस्ट डोरेमोन के बारे में लिखा गया था। इसके ऊपर जापानीज में कुछ लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग करते वक्त एक स्कूबा डाइवर को डोरेमोन के जैसा दिखने वाला ये एक स्टैचू दिखाई पड़ा। पहले तो उसे लगा कि ये शायद कोई खिलौना होगा, मगर जब उसने रेत में दबे इस स्टैचू को बाहर निकालने की कोशिश की तब उसे पता चला कि ये स्टैचू असल में मेटल की बनी हुई है। जब वो उस डोरेमोन के स्टैचू को बाहर नहीं निकाल पाए तब उसने बाहर आकर इस स्टैचू की फोटो को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। ये फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई और पूरे इंटरनेट पर ये कॉन्स्पिरेसी फैल गई कि ये रोबोट 450 साल पुराना है। इसे बाहर निकालकर जापान की लैब में टेस्ट किया गया जिससे ये पता चला कि इसकी टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से भी काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन इस रोबोट की जो डेट है वो आज से 450 साल पुरानी है, यानी कि ये स्टैचू टाइम में ट्रेवल करके यहाँ पर आई है और आज भी आपको गूगल में इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जब इस कहानी के बारे में डीपली रिसर्च किया गया तब पता चला कि ये स्टोरी असल में एक फेक स्टोरी है। ये स्टैचू समुंदर में मिली जरूर थी, मगर ये स्टैचू इतनी पुरानी नहीं है। इस स्टैचू को एक अम्यूजमेंट पार्क के लिए बनाया गया था जो कि डोरेमोन थीम पर बनी थी। लेकिन ये स्टैचू आखिरकार समुंदर के बीचों बीच कैसे पहुंच गई ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है।